पांच राज्यों के चुनाव में स्पष्ट रूप से चार राज्यों में कांग्रेस की सरकार बदल रही है। वे लोकसभा जस्ट इसके चार महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होना, इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को। केंद्र सरकार का इतना दबाव, ईडीआईटी का दबाव, पैसे का दुरुपयोग, शासन का दबाव, उसके बाद भी अच्छा इन राज्यों में कांग्रेस बेहतर स्थिति। एक चुनौती जो सामने दिख ही रही है कि ये बाबा जो है उन्होंने बाकायदा कहा है कि अगर वो सीएम नहीं बनते तो उनका आखिरी चुनाव है, उनका कहना है कि उम्र इतनी हो चुकी है अब नहीं तो कब। इच्छा सबका रहता है, अगर इच्छा व्यक्त किए दे तो बुराई क्या है, उनका वक्त सही है। क्या कहेंगे आप बाकी राज्यों का एग्जिट पोल? अच्छा है, मध्य प्रदेश में हम लोग देखे, वहां का माहौल भी हम लोग, मैं खुद दो दिन मंदिर दर्शन गया था, फिर सभी लोग चर्चा हुई, कार्यकर्ताओं में चर्चा हुई, जनता से भी चर्चा हुई, वहाँ भी अच्छा माहौल है। तेलंगाना तो मैं पार्टी के आदेश पर स्वयं प्रचार करने गया था, तेलंगाना तो जबरदस्त माहौल है, वहाँ तो 80 प्लस सीट आएगी तेलंगाना में। इस तरह से पांच राज्यों के चुनाव में स्पष्ट रूप से चार राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और ये तो सेमीफाइनल है, अभी लोकसभा जस्ट इसके चार महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होना है, इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा। राजस्थान का जो एग्जिट पोल आ रहा है अप्रत्याशित है, क्योंकि चर्चाएं कुछ थी लेकिन अंडर करंट जो है वो गहलोत जी के लिए दिखाई दे रहा है। देखिए कांग्रेस की सरकार वहां पे भी बेहतर काम किया है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, अभी वर्तमान में हम कर्नाटक की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो जो वादा किए, पार्टी ने जो जो वादा किया, वो वादों को पूरा करने का काम किया, ये भरोसा। तो कांग्रेस ने जनता का भरोसा जीतने का काम किया, इसी का नतीजा है कि आज विषम परिस्थिति में भी हम लोग, केंद्र सरकार का इतना दबाव, ईडीआईटी का दबाव, पैसे का दुरुपयोग, शासन का दबाव, उसके बाद भी आज इन राज्यों में कांग्रेस बेहतर स्थिति में। एक चुनौती जो सामने दिख ही रही है कि टीएस बाबा जो है उन्होंने बाकायदा कहा है कि अगर वो सीएम नहीं बनते तो उनका आखिरी चुनाव है, उनका ये कहना है कि उम्र इतनी हो चुकी है अब नहीं तो कब। देखिए टीएस बाबा छत्तीसगढ़ के सीनियर लीडर हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं, इच्छा सबका रहता है, अगर इच्छा व्यक्त किए दे तो बुराई क्या है, लास्ट उन्होंने कहा भी है कि मेरी भी इच्छा है और आलाकमान के ऊपर जो निर्णय ले उस पर तैयार है, उनका वक्त सही है, अपना इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं, और अंतिम निर्णय तो आलाकमान को देना लेना है। हम लोग सब तो कह रहे हैं कि आलाकमान का, पार्टी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। छत्तीसगढ़ में उनकी अच्छी लोकप्रियता है और बहुत सारे ऐसे विधायक जो हैं वो टीएस बाबा के हिसाब से ही निर्धारित किए गए हैं, क्या लगता है संख्या उतनी होगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नो डाउट कि टीएस बाबा अच्छे नेता है और लोकप्रिय भी है, सरल भी है, लेकिन एक एक टिकट पार्टी के हमारे केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय किया, आलाकमान ने निर्णय किया, एक एक टिकट उनके हिसाब से बटा है, पार्टी ने मापदंड के आधार पर टिकट बटा है, और विधायक जीत कर आएंगे तो पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के निर्णय पे सभी लोग का जो है ना, सभी लोग का मानना हम लोग के लिए स्वरमान रहेगा। टीएस बाबा के खेमे के विधायक भी जो है? नहीं इसमें कोई खेमा नहीं है, ना कोई टीएस बाबा का खेमा, ना कोई भूपेश बघेल का खेमा, ना कोई और किसी नेता का खेमा, इसमें कोई खेमा नहीं है, एक ही खेमा है बस, कांग्रेस, कांग्रेस ही एक ही खेमा है, जीतने के बाद सब पार्टी के साथ है। एग्जिट पोल पर कितना भरोसा करते हैं? देखिए सभी राज्यों का चुनाव लगभग संपन्न हो चुके हैं, पांच राज्यों और एग्जिट पोल आ रहा है, एग्जिट पोल आप भी देख रहे हो, हम लोग भी देख, और देखें तो एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का बढ़त, तेलंगाना भी कांग्रेस का बढ़त, एमपी में भी दिखा रहा है, राजस्थान भी अच्छा। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस सभी राज्यों में सरकार बना रही है, और बात करें छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ से हम लोग शुरू से बोल रहे थे, 75 प्लस का जो हमारा लक्ष्य था, हम शुरू से बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और एग्जिट पोल सबका अपना अपना ओपिनियन है, अगर सब आप एग्जिट पोल में देखेंगे तो सभी चैनलों का एग्जिट पोल देखेंगे तो 50 से नीचे किसी भी चैनल में कांग्रेस का बढ़त कम नहीं दिखा रहा है, उससे ज्यादा दिखा रहा है। मतलब आप सोचिए कि एग्जिट पोल में सिर्फ 52-55 दिखा रहा है, 65 से 68-70 तक हम जाके टच करेंगे। क्या लगता है यदि ऐसी परिस्थिति बनती है कि दोनों ही मुख्य दलों के बीच 5-7 विधायकों का ही अंतर हो
तो लगता है कि आपको भाजपा कोशिश कर सकती है, कांग्रेस वाली एमपी वाली कोशिश? बिल्कुल नहीं, देखिए ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये ना ये कर्नाटक है। छत्तीसगढ़ में हम लोग धान खरीद रहे हैं, अगर वो विधायक खरीदेंगे तो हमारी सरकार धान खरीद रही है, तो यहाँ उनका प्रयास सफल नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, सफल कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी 25 सीट भी टच नहीं कर पा रही है, 25 सीट तक टच नहीं कर पाएगी। कांग्रेस जबरदस्त बढ़त के साथ छत्तीसगढ़ में हम सरकार बना।